आनंद स्कूल में जहाँ पे इंग्लिश की एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की गई और हमारे साथ ही स्कूल की प्रिंसिपल मैम आपका स्वागत है मीडिया टीवी पे। मैम आप बताइए इस वर्कशॉप के बारे में कि हमने इंग्लिश की वर्कशॉप की क्या मोटिव था, किस तरह से हमने इसको किया। इस वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन थे बैरी ओब्रेन, हु इज़ अ ग्रेट एजुकेटर, और इंग्लिश के बारे में ये वर्कशॉप थी। इस वर्कशॉप में टीचर्स को उन्होंने बताया कि कैसे बच्चों से कनेक्ट होकर पढ़ाना चाहिए और कैसे इंग्लिश को एक लैंग्वेज इस तरह का बनाना है जिसको वो आसानी से समझ सके। इट इज़ नॉट टू बी टॉट एज अ सब्जेक्ट। इसमें लैंग्वेज को सिखाने के लिए बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ करी जानी चाहिए, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए और बच्चों को प्ले वे मेथड से सिखाना चाहिए, ये उन्होंने बताया जी। और मैम ये वर्कशॉप हमने अपने स्कूल के लिए की या इसमें बाहर से और भी कई स्कूल्स के जिन्होंने इस ये वर्कशॉप हमने अपने स्कूल के तो सारे टीचर्स के लिए की और बाहर से मोर देन 70 स्कूल्स के टीचर्स आए थे यहाँ पर इसको अटेंड करने के लिए। तो देर वर टू सेशंस, मॉर्निंग वाला जो सेशन था वो इंग्लिश के लिए था और जो आफ्टरनून सेशन है वो मैथ्स और साइंस के लिए है, जिसको ब्रिजेश कायरा हैं जी लेने के लिए जो मुंबई से आए हैं। यहाँ पर टीचर्स को मैथ्स और साइंस की स्किल्स बताएंगे कि कैसे साइंटिफिकली